नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। तो इससे बोला मैं विकास दुबे से भी खूंखार, सब मारे जाओगे, वही दुबे था मैं भी दुबे हूँ। आरोपी गिरफ्तार। एमएम कानपुर के श्याम नगर सी ब्लॉक में मानसिक तनाव से परेशान एक व्यक्ति आर के दुबे 55 ने रविवार को बहू और बेटे को बंधक बनाने के बाद पुलिस कर्मियों पर अपनी दोनाली बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की। छर्रे लगने से दरोगा समेत 3 पुलिस कर्मी घायल हो गए। 2 घंटे में सिरफिरे ने छत से 40 राउंड फायर झोंक डाले। बड़ी मशक्कत के बाद डीसीपी पूर्वी प्रमोद कुमार बातचीत कर उसको समझा सके, तब वह घर के भीतर दाखिल हुए और तत्काल आरोपी को हिरासत में लेकर बेटे बहू को बचाया। आरोपी मानसिक तनाव में था, इस दौरान पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। पुलिस के मुताबिक आर के दुबे का बेटे सिद्धार्थ व बहू भावना से विवाद चल रहा है। रविवार को किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। दोपहर करीब 1 बजे भावना ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो आर के दुबे ने छत से फायरिंग शुरू कर दी। 3 पुलिसकर्मियों को छर्रे लग गए। भीतर से चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही थी। पता चला कि आर के दुबे ने सिद्धार्थ और भावना को बंधक बना लिया है। जानकारी होने पर डीसीपी पूर्वी प्रमोद कुमार, एडीसीपी पूर्वी राहुल मिथास, एसीपी कैंट, एसीपी कोतवाली समेत 6 थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा। इस दौरान रुक रुक कर आरोपी फायरिंग करता रहा। दूसरी तरफ डीसीपी पूर्वी उसको समझाने में जुटे रहे। करीब 2 घंटे तक उसको समझाया। किसी तरह से उसने गोलियां दागनी बंद की। तब पुलिस घर के भीतर दाखिल हुई। आर के दुबे से असलहा लेने के साथ ही उसे दबोच लिया। कमरे में बंद बेटे बहू को बाहर निकाला। आरोपी के पास से पुलिस को 50 कारतूस मिले और करीब 40 खोखे बरामद किए। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैं विकास दुबे से भी खूंखार, सब मारे जाओगे। कानपुर में श्यामनगर में बेटे बहू को बंधक बनाकर पुलिस पर गोली चलाने वाला आर के दुबे पुलिस वालों को ललकार रहा था। खुद की तुलना विकास दुबे से कर रहा था। डीसीपी ने बताया कि आर के बोला कि मैं विकास दुबे से भी खूंखार हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, सब मारे जाओगे, वो भी दुबे था मैं भी दुबे हूँ। कानपुर से संवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.